अब हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने दो क्रॉस पे ध्यान दिया था, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। मेंडल के अकॉर्डिंग उसने सबसे पहले सेवन कैरेक्टर्स देखे थे और उनकी कितनी 14 वेराइटीज़ देखी थी। चैप्टर नंबर सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। चलिए अभी इन्होंने किस तरीके से क्रॉस करवाया था हमें कैरेक्टर ले लेते हैं। इसमें हमने लिया हाइट, जो स्टैम्प की हाइट थी उसको इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर लिया था हमने हाइट, स्टैम्प हाइट। ठीक है, और ये कौन से क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब हमने यहाँ पर जब हमने स्टैम्प हाइट की बात करी तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो डोमिनेंट होंगे और कुछ होंगे जो रेसेसिव होंगे। अगर डोमिनेंट को यहाँ पर कैपिटल टी से करा है तो यहाँ पर मुझे जो टॉल है उसको कैपिटल टी से करा है, तो ड्वार्फ को मुझे किससे करना पड़ेगा? क्या स्मॉल टी से करना पड़ेगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर अगर हम देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपको इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हम टॉल को हमेशा कैपिटल टी ही बोलेंगे और ड्वार्फ को स्मॉल टी ही बोलेंगे। देखो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के पास में दो कैरेक्टर होंगे। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, क्या बोला गया है इसको? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप है क्या? यहाँ पे दो टर्म्स आपको मिलेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब कौन से कैरेक्टर का जीन का कंपोजिशन कैसा है, और फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर कैपिटल टी है, ये क्या है? एक जीन है। तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या हुआ? कैपिटल टी। अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो क्या वो भी तो एक जीन है? तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन होता है कि एक में कैपिटल टी और उसके साथ में स्मॉल टी। हालांकि कैपिटल टी भी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर वो कैपिटल टी है, अगर वो टॉल है तो वो उसका फिनोटाइप है। अगर वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो जीनोटाइप है। अब हम यहाँ उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उनके कैरेक्टर्स निकाल लिए हैं, या हम बोल सकते हैं हमने उनके गैमेट्स निकाल लिए हैं। तो एक हो गया हमारा कैपिटल टी, ये दूसरा भी कैपिटल टी, यहाँ पर भी एक स्मॉल टी और स्मॉल टी, पर एक स्क्वायर है इसमें जिसको पलेट स्क्वायर कहा जाता है। पलेट स्क्वायर बेसिकली एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने ये बोला था कि पलेट्स जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उससे आप क्या निकाल सकते हो? उससे आप ये निकाल सकते हो कि कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो टॉल हैं या फिर वो ड्वार्फ हैं। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? रेशियो निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो कौन कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसको पलेट स्क्वायर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी है। ठीक है, यहाँ स्मॉल है और यहाँ पर भी स्मॉल टी है। देखिए, सबसे पहले कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद हमने इसको इसके साथ करा तो भी क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आया हमारे पास में? टॉल के कैरेक्टर्स आए सारे, क्योंकि हमेशा जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉल को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो यहाँ पर ये इनके जीन्स बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको यहाँ पर इनको जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो जीनोटाइप में आप कैसे देखेंगे? आपके पास में क्या है यहाँ पर? कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आपके यहाँ पर क्या आ गया? 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो ये सारे टॉल हैं, इसमें कोई ड्वार्फ नहीं है। तो फेनोटाइप हमेशा किसको शो करेगा? टॉल को शो करता है। तो 100% क्या है यहाँ पर? टॉल है। तो ये होता है आपका जेनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, ये जो पलेट स्क्वायर है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए, जब आपने इन दोनों पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ में क्रॉस करवाया तो ये जो जनरेशन आई है ये आपकी क्या है? F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन को बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन। लेकिन जैसे ही F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आएंगे या जो बच्चे बोल लो आप इनको, ठीक है, जब आप इनका सेल्फिंग करवाते हो, आपस में क्रॉस करवाते हो, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल्फिंग हो सकती है, तो उसको हम F2 जनरेशन बोलेंगे या फिर फिलियल 2 जनरेशन बोलेंगे। ठीक
ठीक है, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, 100% हमारा जीनोटाइप है और फेनोटाइप भी क्या है हमारा 100% है। अब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा F1 जनरेशन है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इसके अलावा कोई कैरेक्टर आया ही नहीं, तो हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। सबसे पहले हमने गैमेट्स निकाले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसमें पैलेट स्क्वायर बनाएंगे इनको आपस में क्रॉस करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्रॉस स्क्वायर ना बना के हम इसको डायरेक्टली क्रॉस कर देते हैं। देखो कैपिटल टी का सबसे पहले किस में होगा, कैपिटल टी में होगा, तो हमारे पास में क्या कैरेक्टर आया, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर आपका जो ये कैपिटल टी है इसका हम नेक्स्ट वापस क्रॉस करवाएंगे किसके साथ में, ये जो कैपिटल टी है इसका हमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ में, तो हमारा सेकेंड कैरेक्टर क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पर जो स्मॉल टी है इसका हम सबसे पहले क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी के साथ, तो हमारा फर्स्ट, सॉरी हाँ इसका फर्स्ट, हाँ जी ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में करवाएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी है, तो अगर हम इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल टी यहाँ पहले आएगा और जो टॉल है, टॉल का जो टी है वो बाद में आएगा, नहीं, हमें यहाँ पर इसलिए इस तरीके से लिखना है ताकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमेशा डोमिनेंट ही पहले आता है। इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है, इस टाइम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका रूल है। क्या आप कहीं पर भी अगर आप रेसेसिव को डोमिनेंट से करवाओ या डोमिनेंट का रेसेसिव से करवाओ, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लिखोगे कि इसको डोमिनेंट को ही। अब यहाँ पे अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ तो हमारे पास में तो चार ऑफस्प्रिंग आ गए हैं। यहाँ पे कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी टू टाइम्स है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, और स्मॉल टी यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे वन टाइम है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, देख लेते हैं एक बार जिनको नहीं समझ में आया है, हमको यहाँ पर निकालना है जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 ऑफस्प्रिंग है हमारे पास में, हमको सबसे पहले लिखना है कैपिटल टी का, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी कितनी बार है, तो हमारे पास में यहाँ पर मुझे तो एक ही बार दिख रहा है, तो ठीक है आपको भी एक ही बार दिखेगा, तो यहाँ पर ये वन टाइम है, ठीक है। चलो अभी हम वन ट्रेन देते हैं, अभी सिर्फ हम कैपिटल टी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी टू टाइम्स है, ठीक है, तो 1, 2, अब हमें यहाँ पर भी लिखते हैं, हम पहले देखते हैं हमारे पास कितने कैरेक्टर है, और तीसरा कैरेक्टर है हमारे पास में स्मॉल टी। अब हम ये देखेंगे कौन से कितनी बार हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो टू टाइम्स है, और जो कैपिटल टी है वो वन टाइम है, और जो स्मॉल टी वो भी क्या है, वन टाइम है। तो इस तरीके से इसका रेशियो क्या बना, 1:2:1, ठीक है। तो जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारा रेशियो क्या निकला, जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब अगर मैं फिनोटाइप रेशियो की बात करूँ, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी टॉल को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल को, और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइप के कितने कैरेक्टर हो गए, 3 कैरेक्टर, ठीक है, और एक ऐसा कैरेक्टर है जो किस ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टॉल को रिप्रेजेंट करने वाले 3 कैरेक्टर हैं और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाले वन कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमारा फिनोटाइप क्या हुआ है, 3:1, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिनोटाइप में हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं कि वो दिखने में कैसा है, टॉल है कि ड्वार्फ है, तो टॉल वाले कैरेक्टर कितने हैं, 3 हैं, और ड्वार्फ का कैरेक्टर क्या है, 1 है, तो इसलिए उसका रेशियो क्या होगा, 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है, जो भी पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है, एक टॉल होगा और दूसरा ड्वार्फ होगा। F1 और F2 दो तरीके की जनरेशन होती है, वो जनरेशन कैसे निकलती है वो तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है इसमें। लेकिन देखिए जब हमने टॉल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने टॉल ले लिया और यहाँ पर भी टॉल ले लिया है, क्या आप किसी प्लांट को देख के पता लगा लो कि चलो वो हमको टॉल दिख रहा है तो हमने उसको बोल दिया कि टॉल है, लेकिन उसका जेनेटिक कंपोजिशन हम कैसे पता करेंगे कि जो टॉल प्लांट है वो अंदर से कैपिटल टी को कैरी कर रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैरी कर रहा है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट्स। आप जिस जीनोटाइप को क्रॉस करवा रहे हो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है क्या, तो टेस्ट क्रॉस में पता लगाते हैं कि जो डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप था क्या, कैपिटल टी था कि कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये कैसे किया जाता है, जो F1 जनरेशन में जो आपका रिजल्ट आया है उसको होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं,
और जो कंक्लूजन आता है टेस्ट क्रॉस में कि आपका सही आया है या नहीं, तो वो होता है हमेशा 1:1। ठीक है, मतलब जितने टॉल है उतने ही ड्वार्फ भी होंगे। इसका मतलब ये कि आपने जो क्रॉस करा है वो बिल्कुल सही है।